अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो क्लास सेवंथ के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 2.3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी वो हमने खत्म की है। तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या है, फाइंड क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड पार्ट नंबर फर्स्ट, 1/4 ऑफ 1/4, यानी कि हमें 1/4 का 1/4 निकालना है। 1/4 का मतलब है इसका चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 का चौथा हिस्सा क्या है वो हमें पता करना है। ये है पार्ट नंबर फर्स्ट इसका, 1/4 ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट और ए पार्ट, 1/4 ऑफ 1/4 ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह है, ये है 1/4 इंटू 1/4, आपका मतलब यहां पे क्या है इंटू, तो 1/4 इंटू 1/4, 1 1 1 4 4 16, तो 1/4 का चौथा हिस्सा कितना है 1/16, 1/16। इसी तरह पार्ट नंबर बी इसमें है 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5, तो 3/5 का चौथा हिस्सा क्या है, तो हम करेंगे इसका इस तरह 1/4 इंटू 3/5, 3 1 3 5 4 20। मिसाल के तौर पर अगर आपको 12 का चौथा हिस्सा निकालना है तो आप इसको 12 डिवाइड बाई 4 करोगे, 12 का चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ 12, तो क्या करोगे 12 बाई 4, तो वही है यही जो हम करते हैं, तो 1/4 इंटू 12 वो ही यही है 12 डिवाइड बाई 4। तो ये पार्ट नंबर बी था। इसमें पार्ट नंबर सी जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड जो है, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर सेकंड है 1/7, पार्ट नंबर सेकंड और इसका ए पार्ट, 1/7 ऑफ 2/9, 2/9 का सातवां हिस्सा निकालना है। तो किस तरह, इसी तरह करेंगे, 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 के साथ, 2 1 2 9 7 63। तो 2/9 का सातवां हिस्सा किसके बराबर है, 2 डिवाइड बाई 63 के बराबर। तो इसमें जो पार्ट नंबर बाकी है ये आप खुद करना, पार्ट नंबर बी पार्ट है इसका और पार्ट सी ये भी आप खुद ही करना। इसका थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 1/3 पार्ट नंबर थर्ड का ए पार्ट, 1/3 ऑफ 3/7, तो सेम इसी तरह है, हमें 1/3 निकालना है किसका, 3/7 का, यानी कि 3/7 का तीसरा हिस्सा, 1/3 इंटू 3/7, 3 1 1 कीजिए या ये और 3 इसकी कैंसिलेशन कीजिए आप, इस तरह भी हो सकता है, 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 हो गया 1 डिवाइड बाई 7 1 1 7। तो 1/3 इंटू 3/7 किसके बराबर आया, 1/7 का। तो इसका मतलब ये हुआ 3/7 का तीसरा हिस्सा अगर आप निकालना चाहते हो तो वो 1/7 के बराबर है, क्या है 1/7 के बराबर। तो इसका सी बी पार्ट और सी पार्ट भी खुद ही करना, ये यहां पे आप जब भी कर सकते हैं, देख लीजिए ये है 3/7, इसका एक हिस्सा मैंने लिखा 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, तो बताइए ये कितने 1/7 है, 3 1/7 है, इनमें से एक चुनना था तो हो गया 1 1/7, तो वही हमारे पास आया भी इसका तीसरा हिस्सा, ये है पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा कितना था इसका 1/7। तो बाकी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, कौन कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट में बी पार्ट और सी पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड में भी मैंने बी पार्ट और सी पार्ट रख दिया आपके लिए, पार्ट नंबर थर्ड में भी मैंने आपके लिए क्या रखा, बी पार्ट और सी पार्ट। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।